बाय। तो पापा भी चले गए ड्यूटी और मम्मी गई है देगड़ियो गाजर काटने के लिए। वहाँ मांग में आप देख सकते हो उतना गाजर काट दिया है वो। ये पूरा मांग हमारा ही नहीं है, वहाँ उस साइड से बबली औरों का है, ये नीचे साइड से चाची का है, ये वहाँ नीचे साइड से वो ताई जी का है, ऊपर से है हमारा वो। तो वहाँ ऊपर से लेकर वो ऊपर तक मम्मी ने इतना गाजर काट दिया। अभी मम्मी वहाँ पर सालों के पेड़ के वहाँ पर ही है, दिख नहीं रही है, वहाँ पर गाजर काट रही है। ठीक है, तभी थोड़ी देर में चाय बनाकर मेरे को ले जाना है देगड़ियो मांग में। तो मेरी ड्यूटी है अब असौज के टाइम में गाजर काटने के वक्त हर रोज़ चाय बना के ले जाना, और हो सके तो कभी कभार मैं खाना बनाऊंगा तो वो भी मम्मी के लिए ले जाऊंगा, नहीं तो मम्मी दिन में अभी तो आ ही जा रही है खाना खाने के लिए। तो कल से गाजर की कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए फिर आज का मैं भी स्टार्ट कर ही देता हूँ दगड़ियो आप। तो ओहो दगड़ियो गुड मॉर्निंग, पहला कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का भी स्टार्ट कर ही दिया है। ये तो दगड़ियो आप मम्मी के लिए मैं बना लेता हूँ फिर चाय। ठीक है, इसमें चाय तो बची है, इसमें एक दो गिलास पानी और डाल के चाय बना लेते हैं। बाकी भी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है, तो ब्रेकफास्ट में गटेरी की सब्जी है दगड़ियों, कल शाम की है, बच रखी है, तो अभी ब्रेकफास्ट भी करके जाऊंगा मैं पहले। दही भी खाएंगे, दही भी गटेरी की सब्जी के साथ दगड़ियों, दही में मज़ा आता है। और गटेरी की सब्जी ना दगड़ियों, वो भांग वाली में बहुत मज़ा आता है ना, मतलब भांग डाल के ना जो पूरी काली बनी रहती है वो लोहे की जाम में, कढ़ाई में, लोहे की जाम में, जाम और कढ़ाई जो पहाड़ आदमी छन दगड़ियों जाम में समझ जा, लेकिन कढ़ाई है ना, कढ़ाई कुछ लोग जाम नहीं समझते ना, तो तब कढ़ाई भी बोल रहा हूँ साथ ही। मजा आ गया, अब पेट भर गया दगड़ियों है ना, अब थोड़ी ताकत आ गई शरीर में, सुबह से खाने वाले नहीं खा रखा था, अब थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है ना। तो गटेरी की सब्जी बना रखी थी, इतनी टेस्टी बना रखी थी ना दगड़ियों, लिटरली पापा ने, मजा आ गया। मतलब कल रात को बना रखी थी, कल रात को खाने में उतना मजा नहीं आया जितना मजा अभी सुबह खाने में आया। मतलब होता है ना दगड़ियों, मतलब पकाई तताई जैसे खाना होने उस खाने में उतना मजा नहीं आता जैसे दगड़ियों छाली साग होने, जब भी हम रात को छाली साग बनाते ना, जब मैं खाता ना रात को, तब उतना मजा नहीं आता मेरे को छाली साग खाने में। लेकिन जब सुबह जब वो बासी आती है ना, जब वो ठंडा हो जाता है सुबह, बासी हो जाती है ना, तो तब खाने में इतना मजा आता है ना, और वो मतलब जो स्वाद होता है ना बासी खाने का, वो फिर कुछ अलग ही हो जाता है सच में। मतलब आपको भी कितनों को अच्छा लगता होगा बासी खाना, है ना, मेरे को तो बासी खाना अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मतलब ना उसी समय बनाया हुआ वो ताजा खाना इतना गर्म हुआ रहता है ना, उसमें मेरे को उतना मजा तो नहीं आता है, चाहे कितना भी टेस्टी क्यों ना बना रखा हो ना। मतलब कुछ खाने ऐसे होते हैं, मतलब लगते हैं उसी समय बनाए हुए जो खाने होते हैं कुछ तो टेस्टी लगते हैं। कुछ जैसे छाली साग हो गया दगड़ियों, गडेरी साग है गो, गडेरी छाली है गो, गडेरी भांग वाली है गो ना, उसी समय ताजी खाना में उधर रंगत ना हो जिधे रत्ता फिर बेस्ट खाना खाना में हूँ। मतलब छाली साग में भी ना दगड़ियों, मैं जब सुबह खाता हूँ ना, पता नहीं वो अलग ही टेस्ट आता है सुबह खाने में, और इतना मजा आता है, फिर सोचता हूँ मैं काश अभी थोड़ा और बचा रहता तो मैं और खाता करके, है ना। देखो अभी मतलब ये बेस्ट साग खा दगड़ियो, मतलब को तो जान आ गई मम्मी, आज को तो भलीवन बुलानी हुई है ना। और बाकी चाय भी बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। थर्मस थर्मस कहाँ? आम नहाती है पता ना जाहुने, मैंने चाह बड़ा है लो। अच्छा फैले मुझे खाना भोबड़ी को तो कहाँ से ना वो? पता ना वैशाली, आम कहाँ? जाहुने ले ले लाम। हो हो आम नहा घर में। तो मैशा सुन्दर थाला खाना में खड़ा आगे तो खाए खाना भोबड़ी को। होय ओ आमो घरा माँ, मैं वहाँ पा मांग मैं जानी मम्मी तो चाह ली बेर ये भैंस को देखो लो वैशाली काम करने आप स्कूल थर्मस कहाँ चाक चाह थर्मस हो तिमंजल वाले छत में आ रखा हो ना, धूप तो इतनी तगड़ी चट्टी लगी रही है, लेकिन ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ छत में, मजा आ गया, भीनी भीनी हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी।
भैंस को धुलकी ना लग रहे हो, मैंने भैंस को धुला मुझ। और ढड़ू पे हैं क्या कहा मील पिला पे, चलो लग जाओ काम पे। आज कमो काट रही है, गपकी टपकी है कमुआ। आ टपकी तू बढ़ा लिया, बस सिर पर काटने की बुच्छू तो पकड़ उन्हें उन साग नून काटा उन्हें गावा टपकी जोई भात। अच्छा जोई भात टपकी गावा गाप छन तो रही लो न्याल गावा धपड़ू। अच्छा जरा आपने ये जग्गा दिखा दो, जग्गा एक बार दिखाओ तो कैसा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिखाओ आप पीछे मुड़ के दिखाओ। हाँ ये देखो देखो, नितिन भाई भी चाय ले जा रहे हैं अपनी मम्मी और के लिए। यार ये खाप बढ़िया लग रहे हैं यार यो देखो गाजर काट के ना सुखाने के लिए डाल रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी कटाई हो गई है, यहाँ पर भी सुखाने के लिए डाल रखा है। नीचे तो छोटा सा लूटा भी डाल दिया हुआ ताई जी ने, है ना। और ताई जी यहाँ पर भी आ रखी देखो गाजर काटने के लिए। हाँ है ना हाँ मजा आ रहा है शुरू है बाब। तो जो लूटी भी होता है ना रगड़ियो, वो सिर्फ ना दो तीन साल ही टिक पाता है, बड़ी मुश्किल से। वो भी अगर पानी लग गया तो एक ही साल में सड़ जाता है। लो हैं कद भल लागनो काम वही जो मरा छो दगड़ियो, घर से काजू काटने के लिए इतना ऊपर आना पड़ता है, ये बहुत कष्ट है, बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। तो अब थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया दगड़ियों मम्मी ने, अब मम्मी पिएगी चाय, मम्मी के लिए बना के लाया घर से एकदम कड़क चाय, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर मम्मी एनर्जी ड्रिंक पी रही है पानी, ठीक है। ये धूतु धूतुरी बजा मम्मी, धूतु धूतुरी। गाजो काट भी जद को तो बांध दी किने ने मियो मुंह को सारो टोर है बेरु। गाजो काटने में जब बांध दी किने यार तू गाजो काट बढ़िया रहो। गाजो काटूं फोकड़ी शक्ल होल खराब, आज तो फर्स्ट बार से दबे को तो भल दी किने दिगो लाल। मेरी मम्मी को ना दगड़ियो लोग ना, जब भी मम्मी और मैं कभी बाहर जाते हैं ना तो मम्मी को मेरी बड़ी दीदी बताते हैं लोग। बताओ मेरे को खुश शर्म आती है उस वक्त कि क्या मैं इतना बूढ़ा लग रहा हूँ या इतना जवान लग रहा हूँ, है ना। मम्मी को मेरी बड़ी दीदी बताते हैं, यदि दीचू ना मम्मी थी कौन बड़ो फिर मगे। जहाँ वहाँ गए थे ना हम मौसी के वहाँ पर, तो वहाँ पर भी लोग मेरे से बोल रहे, अम्मा लोग बोल रहे अत्य अत्य दीचू के उनका हो बुढ़िया। मैं दीचू हम मैं मम्मी छूगा मैन। घर से ना दगड़ियो मम्मी अमरूद भी ला रखी देखो, ये खाने के लिए, अपने खाने के लिए पक रखे हैं बहुत ही ज्यादा,
लाल लाल छन्ने हो। नीचे रहा दगड़ियो हमारा गांव, वो देखो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, और अपने गांव से इतना ऊपर आ रखा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो है। हाँ ठीक, गांव के हमारे हमारे घर के वार तरफ ये मांग है हमारे, और सामने और पहाड़ तरफ हमारा घर। मतलब दगड़ी जो मैं आपको दिखाता हूँ ना मांगू, अभी तक तो दिखा रहा था मैं, जय पेट भिहार से निकल रहा हूँ यह मांग मचू मैं, देखो साली भाई पेट भिहार निकल रहा हूँ एल में गर्दन में बैठी ना छत में आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारी जान बन गए। ये मम्मी का फेवरेट गाना है दगड़ियो, मम्मी अभी वही गुनगुना रही थी पापा के लिए। मैं शाम को रोज इसी को लगाऊंगी तो पापा बोलते हैं अब 10 बजे के बाद इसके चल गए भजन। अच्छा हाँ, एक बार दोबारा मम्मी सुना दे, एक बार एक बार सुनाने। अब जब रात होती तो लोग भजन सुनते हैं, इसके भजन भजन चल गए बोलते हैं। हाँ तो मम्मी का ना रात के टाइम में ना, जब मम्मी थोड़ा फ्री आती है खाना खाने के बाद ना, तो मम्मी यही वाला गाना लगा देती है, आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारे ही जान बन गए। ये गाजो काटते काटते बन गए है ना, मम्मी का फेवरेट गाना है, और मेरे भी, मेरे को भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये। और आपने भी सुना होगा दगड़ियो आपका फेवरेट है नहीं है, आप मेरे को बताना जरूर कमेंट करके, किस किस का फेवरेट है। पहले क्या है इस गाने का, पहले यार मगला पता ना, मगला बीच की लाइन आ चू मैंने भले करना थोड़ा, मगर यह वाला लाइन बढ़िया लागू हो, आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारी जान बन गए वाला लाइन मगर बहुत बढ़िया लागू है ना, वो सही लगता है मेरे को। आपको अच्छा लगता है लगता है बताना, मेरी मम्मी का तो फेवरेट है, हर रोज ये भजन मम्मी रात को बहुत सुनती है पापा यही बोलते हैं लग गए इसके भजन करके आप यहाँ पर ना देखो, यहाँ मांग में ना बहुत सारे ठीठे यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो चीड़ के पेड़ है, और चीड़ के पेड़ में ना आजकल बहुत सारे ठीठे लग रखे हैं, ठीक है। तो इन्हीं ठीठों को मैं यहाँ पर कट्ठे में डाल रहा हूँ, देखो इतने ठीठे तो मैंने भर दिए कट्ठे के अंदर, ये देखिए ठीक है। तो इस कट्टे को पूरा फुल करके मैं इन ठीठों को घर ले जाता हूँ, क्योंकि ये ठीठे ना दगड़ियों ठंडियों में आग जलाने के काम आएंगे, तो ये ठीठे के ना कोयले बहुत अच्छे बनते हैं, और काफ़ी देर तक ये कोयले टिक भी जाते हैं, तो फिर आग सेकने में मज़ा आता है ना। तो अभी से ही मैं इन ठीठों को इकट्ठा कर रहा हूँ ठंडियों के लिए, ताकि ठंडियों में फिर सुबह शाम को दो टाइम आराम से हम आग सेक सकें। चलो अभी की शिफ्ट खत्म हुई ये तो अभी फिलहाल यहाँ पर ना वैशाली लगा रही अम्मा के सर में मेहंदी, ये देखो अम्मा का सर अम्मा के बाल काले कर दिए, अम्मा का सर बनी ठीक है, अम्मा के बाल काले कर दिए यहाँ पर वैशाली ने ये, और बाकी मम्मी हाथ मुँह धो रही है, मैं भी अपना हाथ मुँह धो लेता हूँ, फिर खाना वाना खाते हैं। गोपाल ते बुमरा नाम है कमू अल्लो कौतील बता, बुबन नाम के पापा बता, देखो रुक गया चाची गोपाल ते बुबन नाम बे, चाची तुम्हारा छोड़ते नाम के बे आमो आमो तुम्हें हैंड पापा नाम के छू हैं बवाल बेल अब अल्ले बुबन का दिखो रुको बू तो उनका बवाल को नहीं गोन गोद उठा रहा हूँ ये छोड़े उठा बे मंग मदर बे आबिल चाची मगा मैं ट्राई कर रहा था मम्मी को मैं गोद में उठा पाता हूँ नहीं उठा पाता हूँ करके ना उठा दिया मैंने
उतनी भारी नहीं है मेरी मम्मी, हल्की है। मैं सची भैर ली ना, लेकिन मैंने देखो उठा के कितना दूर तक भी ले गया मैं। हाँ गाजू मांगो मुझे दे मेरे ना, उतना दूर भी ले जा सकता हूँ, मतलब अपने पटांगड़ से ना दूर नहीं ले जा सकता हूँ, परांगड़, सॉरी पटांगड़ नहीं परांगड़ बोलते हैं, कल पापा ने सिखाया था, परांगड़ से दूर नहीं ले जा सकता हूँ अपने। अभी रगड़ियो फिलहाल हम लंच कर लेते हैं, बाकी अम्मा है रशार, अम्मा बांट रही है सबको खाना, ठीक है। तो खाने में है मिक्स दाल और चावल। तो दगड़ियो हो गया फिर लंच भी, ठीक है, बाकी हो गया लंच। देखो अम्मा ने कितने अचार खा रहे आज, गुठले गुठले चूस चाहिए सब फल से धर रही हो, बाप रे कम जी की हाँ अचार का आमले है के रदर हो आज चुरे पे खरपीड़ नहीं बेल, ये तो खाली खरपीड़ है भाई। हाँ यार अब ब्याह तो धने यहाँ बात काम आ उड़ते हैं, ब्याह गरम कर भी खाने। ओहो चार मिनट से क्यों खाइल चार होना मन करना को है चल है चल। आहा जोड़ी तीने तीने जोड़ी दगड़ पौड़ी एक पचिन में एक पचिन में एक। तो अभी ना अम्मा यहाँ पर मांस निकाल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी निकाले नहीं है पूरे, थोड़े बहुत निकाल दिए वहाँ पर रख रखे हैं वो, तो एक घटो तो मांस का वैसा ही लेके चले गई है। उससे पहले वो घास लेने भी आई थी अम्मा बता दी, अभी दो घास लेके चले गई वो। पावल भाई अगर लैंटर भनकोड़ से हिट दे यार, पावल भाई लैंटर में भनकोड़ से हिट तो। नितिन भाई जल्दी आ या धन्यवाद शाबाश शाबाशी आज भगत बुत कर दिया। डिनर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, और डिनर में आज है आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी। तो आप पापा भी खाने लग चुके हैं रगड़ियों छोटे से बर्तन में एक, ठीक है, तो अब हम भी खा लेते हैं और बाकी चलिए फिर अब हम खा लेते हैं खाना। बाकी यहाँ पर आपको आवाज आ रही होगी ना, तो हमने ना यहाँ पर छाछ बनाने के रख रखी है मशीन में, तो ये काफी ज्यादा आवाज कर रहा है। ढोल धमोम तू नच दे बिन बजा भी तू बज दे हुड़के की थप लगे बेर मुड़।